नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। विकासखंड करचना में समाजवादी पार्टी के बैनर तले 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में तिरंगा यात्रा के साथ पैदल मार्च कर जताया विरोध। प्रयागराज करचना विकासखंड मुख्यालय पर अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 26 जनवरी के मौके पर ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार विरोध यात्रा निकालकर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार विरोध यात्रा विकासखंड मुख्यालय से साधु कुटी, बेला चौराहा, करचना तहसील होते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए वापस मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। विधायक प्रतिनिधि राजेश्वर प्रसाद पांडे ने कहा कि ये सरकार किसान हितैषी होने का दिखावा कर रही है। किसान एक माह से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर खुले आसमान तले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनवरी का पर्व है, एक बहुत बड़ा पर्व है देश के लिए, इसमें पार्टी या किसी अन्य की बात नहीं, लेकिन आज किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, उनको लेकर के आप लोगों ने समर्थन में उतरे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपको। आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसान एकजुट होकर सरकार की नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। अभी नोएडा से खबर आई है कि रात लगभग वहाँ 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा करा दिए गए हैं, और ट्रैक्टर और किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश किए तो उनके ऊपर आंसू गैस फेंका गया। पूरी रात कड़ाके की ठंड में वो सड़क पर ठिठुरते रहे, इस सरकार को जरा सा भी रहम नहीं आया। ये सरकार नारा लगाती है कि भारत माता जिंदाबाद, और यही सरकार धरती माता को बेचने का काम कर रही है। तो आज किसानों की पीड़ा को लेकर के हम, हमारी पार्टी सड़क पर उतर करके किसानों के समर्थन के लिए हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यहीं से भारी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जबकि पहले केंद्र में और राज्य में सरकार आने के पहले यही सरकार ने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, कई अन्य तरीके के वादे किए गए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है आप लोगों का जो कहना है कि सरकार पूरी तरह विफल है, इसके बारे में क्या जानकारी? आज वही सरकार जो किसानों को सूखा प्रलोभन दिया कि मैं आपकी यहाँ दुगनी कर रहा हूँ, किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है, अनेरू जानवर उनकी फसल को चले जा रहे हैं, किसी तरह से एक किसान रात जाग जाग करके अपना धान पैदा भी किया तो आज ये सरकार उस धान को कौड़ी के भाव मजबूर कर दिया है किसानों को बेचने के लिए। जितने इनके क्रय केंद्र खोले गए थे वो मात्र कागज पर चले या बिचौलियों के माध्यम से वहाँ तौल हुई, आज भी किसानों का धान उनके घर पर सड़ रहा है। आपका परिचय जानना चाहिए। राजेश्वर पांडे, समाजवादी पार्टी। प्रमुख जी बताएं, ये क्या कहना चाहेंगे आप? जब सरकार, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कह रही कि हम किसानों के हित के लिए बिल लाए हैं, अगर किसानों को वो बिल नहीं मंजूर है, हमारे हित की बात है, किसान हित की बात है, अगर किसान को ही नहीं स्वीकार है तो उस बिल को समाप्त करके किसानों की बात मान के देश में शांति और सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम बड़े नेताओं की बनती है। आपका परिचय जाना। विजय राज सिंह राजू, ब्लॉक प्रमुख करचना। आज हम सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार एकत्र हुए हैं और किसानों के लिए सांकेतिक रूप से हम लोग समर्थन दे रहे हैं। 26 जनवरी के अवसर पर आप गणतंत्र दिवस की हम सभी देशवासियों को, समाजवादी पार्टी साथियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द। ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह ने कहा कि सरकार किसान व गरीबों का शोषण कर रही है और सरकार आंख बंद कर बैठी है और पूंजीपतियों की जेबें भर रही हैं व सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ बेची जा रही हैं। इस मौके पर पैदल मार्च में हंसराज सिंह, रविश तिवारी, मुख्तार अहमद, अमरजीत यादव आदि कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना अध्यक्ष करचना अनिल कुमार सिंह के साथ पुलिस बल तैनात रही और साथ साथ पदयात्रा के दौरान मौजूद रही।
मोदी जी, आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले 26 जनवरी के मौके पर किसान आंदोलन को लेकर जो कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है उस समर्थन में आप लोगों ने एकत्र होकर के आज सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है। क्या मांग थी, किस बात को लेकर आपका प्रदर्शन चल रहा है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं और न्यूज चैनल के माध्यम से अखबार के माध्यम से मांग आप एक बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। किसानों की मांग है कि जो ये काला कानून लागू किया जाए इसे वापस किया जाए। देखिए, इसमें तीन तरह के कानून के हैं जिसमें किसानों को एक तरह से बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीन से उन्हें एक तरह से बेदखल किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने खेत पे खेती नहीं कर पाएंगे, फसल नहीं बो पाएंगे, अपने मर्जी के अनुसार वो बेच नहीं पाएंगे। एक उनकी कंपनी होगी, एक एजेंसी होगी सरकार की, जो किसानों के उपज को निश्चित करेगी कि यह उपज किस एरिया में बोई जाए, उस एरिया में उसी उपज की खेती होगी और उपज होने के बाद उसका रेट किसान भाई हमारे नहीं तय करेंगे। जो माननीय मोदी के चहेते लोग हैं, जो उनके खास तौर से पॉकेट में रहते हैं, उनके इशारे पर उसका रेट तय होगा और रेट तय होने के बाद औने पौने दाम पर किसानों से फसल खरीद ली जाएगी, उनका अन्न खरीद लिया जाएगा। फिर दो महीने बाद उसका रेट निर्धारण वो व्यापारी लोग करेंगे कि अब हम किसानों को हाथ क्या बेचें, अब गरीब मजदूरों के हाथ किस रेट से बेचें। तो हम सब इसका जोर विरोध कर रहे हैं, किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी एक MST थी जिस पर सब्सिडी मिलती थी, भाई किसान मांग कर रहा है कि आप हमारे हितैषी हैं, आप हमारे हितैषी हैं तो हमारे MST को कानून का दर्जा दे दीजिए, हम अपनी मांग वापस ले लेते हैं। उसको उस पर तैयार नहीं हो रहे, कहना इसमें आपका नुकसान होगा, हम जो ले आए हैं उसमें फ़ायदा होगा। भाई नुकसान लाभ हानि हमको देखनी है अभी, हम खुद समझदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं आप मत सोचिए, हम सोचेंगे वो होगा। आज पूरे देश में इसी को लेकर पूरा देश चल रहा है। अभी आप दिल्ली की खबर देखे होंगे, नोएडा की खबर देखे होंगे, किसानों के ऊपर आंसू गैस की गोली छोड़ी जा रही है, किसान सड़क पर आँख मूंद के दौड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ इसका कोई, यही सरकार जब केंद्र या राज्य में नहीं थी तो तब वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और कई तरीके के वादे किए गए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है किसान अपने ही फसल काट करके आधे रेट में बेच रहा है मजबूरन, उसके बारे में क्या कहना है भाई? आज धान का रेट तय हुआ है 1850 रुपये और किसान बेच रहा है 1100 रुपये। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि सरकार हमारा धान 1850 रुपये में तय करे। जो कर्मचारी यहाँ अधिकारी बैठाए गए हैं क्या उनको इस बात की अवगत नहीं है? जो लगातार किसान परेशान है, चिल्ला रहा है। जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बैठाए गए हैं उनके भी हाथ बांध दिया है कि आप सिर्फ 30 क्विंटल किसान का तौलिए और वो बिचौलियों के माध्यम से धान आ रहा है वही तोला जा रहा है, किसान बेचारा तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा। जो बिचौलियों के माध्यम से, जैसे एक काश्तकार का जो अमाउंट होता है उसको क्या ये सरकार या देखा नहीं कर रही है कि किसान के अकाउंट में जा रहा है या बिचौलियों के अकाउंट में जा रहा है, एक बड़ा अमाउंट किसी भी खाते में जा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तरीका होना चाहिए। उसकी जाँच का तरीका ये है कि जिसके अकाउंट में जा रहा है जी उसको इनको देखना चाहिए कितने बीघे का काश्तकार है। यदि हमारे प्रमुख जी 60 बीघे के काश्तकार हैं तो इनके अकाउंट में पैसा कितना गया, और हमारा दूसरा भाई 1 बीघे का काश्तकार है तो इसके अकाउंट पे कितना गया, इनको देखना चाहिए। एक सवाल हमारा ये है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ पे किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, इस पर आपका क्या राय है? ये बहुत दुखद है, देश के लिए बहुत दुखद है, सरकार के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन बहुत दुखद है। जो किसान आज हमारा भरण पोषण कर रहा है, देश का भरण पोषण कर रहा है, खेती करके कड़कड़ाती धूप में इस छिठुरती ठंड में आज किसान खेत पर है सर, और किसान अपने उपज को लेकर अपनी मांग को लेकर के आज सड़क पर अपनी जान दे रहा है, तो इससे निंदनीय कार्य कुछ नहीं हो सकता सरकार के लिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आपका सर एक सवाल ये है कि जो धान क्रय केंद्र पर सब प्रकार के धान नहीं लिए जा रहे हैं, केवल एक ही कुछ ही प्रकार के धान लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सभी प्रकार के धान लिए जाने चाहिए। बहुत सही आपका प्रश्न था, यदि सरकार
सारे प्रकार के जितने बीज हैं उन पे बैन लगा दे, उनको बंद करा दे और ये डिक्लेयर कर दे कि सिर्फ आप एक ही धान बोएंगे जिसको हम खरीदते हैं, तो किसान आसानी से उसी धान को बोना शुरू कर देगा। किसान उस बीज को अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने क्रय केंद्र पर, अपने किसान सेवा केंद्र पर क्यों उपलब्ध करा रहा है जब उसको खरीदना नहीं है? तो ये सरकार की गलती है ना, किसान की इसमें कोई गलती नहीं जी। किसान तो जो बीज पाया बिचारा जाके बो दिया। सर ये अभी एक बीच में नहर बहुत विकराल रूप धर ली थी, बहुत बहुत जगह पे ऐसी सूचनाएं मिली थी कि नहर फूट गई है जिसके वजह से बहुत सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और कुछ बहुत सारे किसान परेशान हो गए थे, और फिर उसके बाद उसको काफ़ी देर के बाद बंद कराया गया जिससे कि बहुत सारी फसल जो है भ्रष्ट हो गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए नहर को लेकर के जब किसानों को पानी की आवश्यकता रहती है तब नहर में पानी नहीं मिलता, जब किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है तो ये सरकार के जो कर्मचारी बैठे हैं वहाँ वो नहर को चला देते हैं। शहर नहर जहाँ जहाँ टूटी इसको लेकर के हमारे राज्यसभा सांसद और कछुआ के विधायक मनी उज्जवल सिंह बहुत चिंतित थे, और यहाँ तक कि कर्मचारियों को इतनी धमकी देनी पड़ी कि कल नहर नहीं ठीक हो जाती, बंद हो जाती तो मैं आकर के नहर कार्यालय पर आपके धरना दूंगा। तो किसी तरह से औने दौड़ धोड़ के लोग घर बंद करें। आपका परिचय? राजेश्वर पांडे जी, बड़े बाबू। ये खास रिपोर्ट थी प्रयागराज कर्चना से लालचंद्र प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही, ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।